Oh, what's up guys and welcome back to our YouTube channel. How I see birds. How birds see me. तो दोस्तों आज हम खेलने वाले हैं डेलफॉक्स से एंड आई नो ये गेम प्ले बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है सो सॉरी फॉर दैट बट मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था और रिकॉर्ड कर लेता था तो वॉइस ओवर नहीं दे पा रहा था एंड इस गेम प्ले में एक दिक्कत हो गई है वो ये कि इसमें जो इन गेम साउंड है वो नहीं आ पाई है मुझे नहीं पता क्या हुआ है स्क्रीन रिकॉर्डर में तो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक से ही काम चलाना पड़ेगा तो डिस्कॉर्ड पे एक बंदा मेरे से कहता है कि भाई एक ऐसा गेम प्ले लाओ जिससे हमें कुछ सीखने को मिले तो भाई ये गेम प्ले बिल्कुल उसी टाइप का है झूठ मत बोल भाई ये तूने खुद बनाया है किसी ने नहीं कहा तेरे से डिस्कॉर्ड सर्वर पे मेमोरी कितने हैं तेरे इमोशनल डैमेज ठीक है तो भाई ये हमारी बेइज्जती कर रहा है तो डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाओ जाके ज्वाइन कर लो ओके तो भाई डिस्कॉर्ड प्रमोशन बहुत हुआ अब गेम की स्थिति बता देता हूँ यहाँ पे मैं बॉटम लेन आता हूँ और हमारा ड्रैगनाइट गेम के स्टार्टिंग में AFK चला जाता है मैं सारे के सारे ए बॉम्ब्स उठा लेता हूँ बिकॉज मेरे को पता है यहाँ पे मेरे को काफ़ी डिसएडवांटेज होगा अगर मैं लेवल में पीछे रह जाता हूँ तो और यहाँ पे बल्बासौर आ जाता है भाई पहले ही फार्म स्टील करने और भाई ये बिल्कुल ही अग्रेसिव खेल रहा होता है यहाँ पे मैं अपना फार्म सिक्योर कर लेता हूँ एंड उसके बावजूद भी यहाँ से जाता नहीं है एंड भाई कंटिन्यूसली 1v1 कर रहा होता है फोकस बैंड एक्टिवेट हो जाता है उसका मेरे से पहले तो मुझे पता होता है कि भाई मेरे पे भी फोकस बैंड है तो मैं बच जाऊंगा और यहाँ पर इसको नॉकआउट करने के बाद मैं एक्स स्पीड लगा के भाग जाता हूँ और बैरीज उठा लेता हूँ यहाँ पर क्योंकि वहाँ पे पीछे सिंड्रेस था और भाई मुझे मरना नहीं था यहाँ पे क्योंकि अगर मैं मरता तो काफ़ी ज़्यादा XP लूज कर देता और अब यहाँ पर दो दो लोग आ चुके थे एंड यहाँ पर मैं फार्म सिक्योर कर लेता हूँ मैं इससे फाइट नहीं लेता हूँ क्योंकि अगर मैं फाइट लेता तो मेरे को थोड़ा सा रुकना पड़ता और डिले हो जाता मेरा पहुँचने में बेस के ऊपर और मैं मर जाता यहाँ पर एप्सोल आकर डेसिडोआई को फिनिश कर देता है और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द बीज हम लेते हैं एक बड़ी वाली को छोड़कर एंड यहाँ पर मैं ये वाला केंकड़ा उठाने आ जाता हूँ कॉरफिश अंग्रेज की औलादो यहाँ पर जंगल आ चुका होता है लेकिन एप्सोल नहीं जाता है तो भाई मैं यहाँ पे उसे बताता हूँ भाई इधर आ जा भाई जा अपने जंगल दोबारा एंड मैं दोबारा से फार्मिंग में लग जाता हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे मैं सिंगल बंदा हूँ और अगर ऐसी सिचुएशन कभी आप पे आए आप सिंगल हों किसी भी लेन में तो भाई फार्म करते रहना चाहिए आपको वरना आप लेवल में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे जैसे ही एप्सोल इन बुशेज में जाता है यहाँ पे छुपा होता है वीनसोर एंड भाई वो दुम दबा के भाग जाता है यहाँ से Meanwhile, यहाँ पे मैं इवॉल्व हो जाता हूँ एंड जंगल नहीं लेता है एप्सोल तो उसके बाद मैं जंगल उठाने आ जाता हूँ बिकॉज भाई रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए ना आप सब बोलना तू जंगल स्टील कर रहा है अपनी टीम का और भाई इस सिंड्रस को इतनी खुजली होती है ये हमारे जंगल में आके हमारी बफ लेकर चला भी जाता है बिकॉज भाई मेरे को पता ही नहीं होता है कब आया और कब गया मेरे को देखते ही भाग जाता है अगर तुमने नोटिस किया हो तो और यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंटली फार्म कर रहा होता हूँ सिंड्रस के पीछे भागने की वजह से मैं वो बफ नहीं ले पाया था उसको मैं वापस लेने आता हूँ यहाँ पर हाँ मुझे पता है थोड़ी नूब वाली हरकत की मैंने यहाँ पे तो यहाँ पर इस बफ को लेने के बाद मेरा फायर स्पिन खुल जाता है एंड मेरा कॉम्बो पूरा हो जाता है तो मैं थोड़ा सा फाइट में एंगेज होने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर मैं काफ़ी डैमेज देता हूँ वीनसोर को लेकिन फिर वो भाग जाता है एंड यहाँ पर एक मिथिकल फायर सिंड्रेस को लगती है पर भाई वो 1 HP पे बच के भाग जाता है ओहो नहीं देखा जा रहा यार नहीं देखा यहाँ पे हम ड्रेडनो स्टार्ट करते हैं लेकिन तभी एप्सोल को वीनसोर की सोलार बीम आके लगती है और वो पीछे भाग जाता है टॉप लेन से सामने वाली टीम का जेरो ओरा भी रोटेशन दे देता है एंड ये तीनों के तीनों ही मेल्ट करने लग जाते हैं ड्रेडनो को मैं स्टील करने का ट्राई करता हूँ बट वीनसोर अपनी सोलार बीम से सिक्योर कर लेता है एंड हम ये वाला ड्रेडनो हार जाते हैं साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे यहाँ पे जेरो ओरा एप्सोल के पीछे पड़ जाता है लेकिन एप्सोल उसे नॉकआउट कर देता है यहाँ पे डेसिडोआई मेरे पीछे पड़ जाता है एंड मैं बच नहीं पाता हूँ क्योंकि भाई उसका लीव स्टॉर्म मुझे स्टन कर देता है और वो एप्सोल को भी फिनिश कर देता है और जब तक मैं नीचे पहुँचता हूँ यहाँ पे ये Tier 1 को फिनिश कर देते हैं तो मैं सोचता हूँ भाई रहने दो उधर जाके फाइट लेने का कोई मतलब नहीं बनेगा बिकॉज हम पहले ही ड्रेडनो हार चुके हैं तो हमें फार्म करते रहना पड़ेगा और यहाँ पे ये सिंड्रेस दोबारा से आ जाता है एंड यहाँ पर फिर मेरे को देखते ये दोबारा से भाग जाता है तो यहाँ पर टॉप Tier 1 पे भी ये लोग पुश कर देते हैं एंड यहाँ पे वीनसोर अकेले संभाल रहा होता है लेकिन एप्सोल यूनाइट चला देता है एंड वो मर जाता है मैं यहाँ पे जल्दी पहुँचने की कोशिश करता हूँ और यहाँ मैं फायर स्पिन छोड़ देता हूँ जिसकी वजह से एप्सोल गोल नहीं कर पाता है और Tier 1 टूटने से बच जाता है A few inches later, वीनसोर से फाइट लेने के चक्कर में एप्सोल गोल कर देता है एंड यहाँ पे मैं वीना की सोलार बीम से नॉकआउट हो जाता हूँ सरीना यहाँ पे वीनसोर का पीछा करती है एंड उसे नॉकआउट कर देती है
यहाँ पे ज़ेरा और रावी आता है फिर, एंड वो उसे भी नॉकआउट कर देती है। इम्प्रेसिव। थोड़ा बहुत फार्म करने के बाद मैं टॉप पे आ जाता हूँ बिकॉज यहाँ पे रोटम स्पॉन हो जाता है एंड मैं और वीना यहाँ पे इसे मेल्ट करने लग जाते हैं। तभी ये डेसिडोआ यहाँ पे आ जाता है एंड मैं इसे फायर स्पिन में फंसा लेता हूँ ताकि ये किसी मूव का इस्तेमाल करके स्टील ना कर ले। यहाँ पे ये तभी अल्टी चलाता है एंड मैं भी अल्टी चला देता हूँ बट मैं मर जाता हूँ, बट वो भी मर जाता है बिकॉज वो चल नहीं सकता अपनी अल्टी चलाते टाइम। एंड वीना एब्सोल को फिनिश कर देता है एंड मैं डेसिडोआ को, तो हमें लगता है कि ये शायद पुश हो जाएगा एंड वो बेस से टच हो भी जाता है, लेकिन वीना के गोल डालने से पहले ही उसे फिनिश कर देते हैं। एंड मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ गोल स्कोर करने की, हो सकता है कि मैं रोटम का टाइम खत्म होने से पहले पहुँच जाऊँ वहाँ पर। एंड यहाँ पर स्कोर पड़े हुए होते हैं तो मैं यहाँ से स्कोर कलेक्ट करता हूँ एंड जल्दी से एक्स स्पीड लगा के भाई भागता हूँ क्योंकि पीछे से ज़ेरा और आ रहा होता है एंड मैं सक्सेसफुली गोल डाल भी देता हूँ। यहाँ पर मैं फायर स्पिन आगे छोड़ता हूँ ताकि मैं बच जाऊँ, पर भाई अल्टी चला देता है ज़ेरा और आ, जिसकी वजह से मैं मर जाता हूँ। One eternity later. यहाँ पे एक छोटी सी फाइट इनिशिएट होती है एंड मैं अपना फायर स्पिन छोड़ता हूँ और भाई मैं गलती से स्टील कर लेता हूँ अपने वीना का किल। एंड यहाँ पे मैं सामने जाता हूँ ताकि मैं अपोजिंग टीम के वीनासोर को फिनिश कर सकें और ड्रैगनाइट उसे फिनिश भी कर देता है। एब्सोल बेस पे पहुँच चुका होता है इस वजह से मैं वापस आ जाता हूँ और अपने बेस पर चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि हम रोटम को ले लेंगे अगर हमारी पूरी टीम ऊपर आ जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आता है और मेरे दोनों मूव यूज़ करने के बाद ज़ेरा और मुझे मारने के लिए आता है, लेकिन मैं तभी एक्स स्पीड लगा के भाई भाग जाता हूँ यहाँ से। और फाइनल स्ट्रेच होते ही मैं अपने बेस पे चला जाता हूँ हेल्थ रिकवर करने। और भाई जब भी आप ज़ेपडोस फाइट में जाओ अपनी हेल्थ फुल करके ही जाया करो। डेलफॉक्स के अटैक्स की रेंज काफ़ी ज़्यादा है तो मैं काफ़ी पीछे रहकर फाइट ले रहा था और बस जैसे ही कूलडाउन खत्म होता था फायर स्पिन का मैं फायर स्पिन रिलीज़ कर देता था। यहाँ पे मैं एक मिथिकल फायर मारता हूँ एंड सिंड्रेस नॉकआउट हो जाता है। यहाँ पर ज़रीना स्टील कर लेती है ज़ेपडोस को। मैं यहाँ पे यूनाइट चला देता हूँ वीनसोर के ऊपर। यहाँ से मैं गोल करने जा ही रहा होता हूँ तभी मैं अपना फायर स्पिन पीछे छोड़ देता हूँ ताकि ज़रीना बच जाए और यहाँ पे वो बच भी जाती है, लेकिन फिर उसे डेसिडोआ नॉकआउट कर देता है। यहाँ पे गोल डालने के बाद मैं दोबारा से स्कोर उठा के गोल करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं गोल नहीं कर पाता हूँ, तो मैं वापस अपने बेस पे आ जाता हूँ डिफेंड करने के लिए क्योंकि भाई गेम का कुछ नहीं पता। और यहाँ पे मैं जंप करके डेसिडोआ को पकड़ लेता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। लिटरली पूरी एचपी एक कॉम्बो में ही चली जाती है डेसिडोआ की। इसके बाद यहाँ पर मैं एब्सोल को फिनिश कर देता हूँ एंड फिर इसके बाद हम ऐसे ही अपना यूनाइट वेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर अपने आप ही रिकॉर्डिंग बंद कर देता है, तो मैं स्क्रीनशॉट से मैच का रिजल्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे तुम्हारा भाई एमवीपी बनता है 80 की रेटिंग के साथ एंड 140 का स्कोर, और भाई बाकी के स्टेट्स तुम खुद ही देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको गेम प्ले पसंद आया हो तो यार लाइक ठोक देना। तो पिछली बार हमने लाइक गेम रखा था 50 लाइक्स का एंड आपने 104 लाइक्स करा दिए उस पे, तो इस बार 200 करा दो ना यार। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देना। डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ जाके ज्वाइन कर लो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। We'll be right back.